In today's video, I am going to explain you about finite differences. The calculus of finite differences deals with the changes in the value of function dependent variable due to the changes in the value of independent variable. Y is equal to function of x hota hai. Yahan pe x independent variable hai aur y dependent variable hai. F jo hai wo function hai between two non-empty sets. यहाँ पे इस कैलकुलस का मीनिंग ये है जो फाइनाइट डिफरेंसेस है यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यानी कि y के लिए ड्यू टू द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के लिए जो है उसके बीच में अगर हमें x की किसी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जैसे x0 x1 के बीच की कोई वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें y के लिए चाहिए अगर तो ये अगर नोन है वैल्यूज x0 x1 एंड y0 y1 तो बीच की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो कहीं पे भी हो सकती है इस स्पान के अंदर अब यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स और एंट्रीज मैंने लिखे हुए हैं x जो है उसके इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं और y को एंट्रीज बोलते हैं x x0 x1 x2 xn इस तरह से इसकी वैल्यूज होती हैं ये वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड होती हैं ये जो स्पान है x0 और x1 के बीच का और x1 और x2 के बीच का ये दोनों सेम है इसी तरह से आगे भी बढ़ते जाएंगे तो ये सारे स्पान सेम आएंगे ये h है डिफरेंस ये भी h डिफरेंस है x0 से x0 x1 को हम x0 प्लस h भी कह सकते हैं इस कारण से इसी तरह से अगर x0 प्लस h अगेन हो जाए तो वो x0 प्लस 2h होगा जिसे हम x1 प्लस h भी बोल सकते हैं और x2 भी कह सकते हैं इसी वे में आगे xn को x0 प्लस nh कहा जा सकता है ये नोटेशंस हुए अगर हमें इस तरह से दिया है तो भी ठीक है और ये जो सेकेंड लाइन लिखी है इस तरह से भी आप कर सकते हैं यहाँ पे एंट्रीज जो हैं y0 y1 y2 y3 yn ये x0 के करस्पॉन्डिंग y0 है x1 के करस्पॉन्डिंग y1 इसी तरह से सारी एंट्रीज आ जाएंगी y को हम फंक्शन ऑफ x बोलते हैं तो इसे हम फंक्शन ऑफ x0 भी लिख सकते हैं दूसरे नोटेशंस में y1 कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ x1 और yn फंक्शन ऑफ xn इस तरह से इसके अलग अलग नोटेशंस क्वेश्चंस में आपको मिल सकते हैं इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ h इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कहलाता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही है कि x0 और x1 के बीच में जो डिफरेंस है वही x1 और x2 के बीच का है किन्हीं भी दो वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा और उसे हमने h से डिनोट किया है h को यूजुअली इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कहा जाता है अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज में आते हैं फाइनाइट डिफरेंस के लिए जिसमें पहला है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसे हम डेल्टा नोटेशन से डिनोट करते हैं जब डेल्टा किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाती है इसी तरह से ये इनकी डेफिनेशंस कहलाएंगी सेकेंड है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर रिवर्स डेल्टा से शो होता है इसे नेबला भी बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच तो यहाँ पे जैसे एक इंक्रीमेंट हुआ था पहले फॉरवर्ड डिफरेंस में एक्स प्लस एच हुआ था फिर फंक्शन ये फंक्शन यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ था जबकि बैकवर्ड डिफरेंस में फंक्शन एज इट इज़ रहता है और उसमें से एक वैल्यू लेस होती है एक स्टेप पीछे जाते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है उसे डेल नोटेशन से डिनोट किया जाता है डेल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज रिटन एज फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू फोर्थ है शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं जब इसे फंक्शन ऑफ एक्स पे अप्लाई किया जाता है तो फंक्शन एक्स प्लस एच हो जाता है इसी तरह से अगर हम इसे दो बार अप्लाई करें इसके यानी ई इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच कर दें अगर ऐसा करेंगे तो फंक्शन में एक इंक्रीमेंट और हो जाएगा एच का एक्स प्लस एच हो जाएगा सो दैट वी कैन राइट हियर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टू एच
एंड सो ऑन. यहाँ पे मैंने ई स्क्वायर लिखा है. ई स्क्वायर का मीनिंग यहाँ पे ई इंटू ई से है. ई इंटू ई मतलब रिपीटेशन ऑफ ऑपरेटर. कभी भी ऑपरेटर रिपीट होता है, स्क्वायर नहीं होता है. नेक्स्ट है इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर. जैसे हमने शिफ्ट ऑपरेटर देखा, इसमें x प्लस एच हो जाता है. अगर इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, x माइनस एच हो जाएगा. इन सिमिलर मैनर अगर हम इसका e रेस्ट टू पावर माइनस टू लेंगे तो यहाँ पे x माइनस टू एच हो जाएगा. कंटिन्यू करेंगे तो e रेस्ट टू माइनस एन फंक्शन ऑफ x, ये लिखा जा सकता है फंक्शन ऑफ x माइनस एन एच. नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑपरेटर. डिफरेंशिएशन ऑपरेटर यूजुअल डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है. यहाँ पे जो d है कैपिटल, वो d बाई डी एक्स है, इंटू फंक्शन ऑफ x है. अगर हम d ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो उसका डेरिवेटिव मिलता है. डेरिवेटिव को यूजुअली हम f प्राइम x से डिनोट करते हैं, यानी f डैश x. ये यूजुअल नोटेशन है इसका. एवरेजिंग ऑपरेटर है, इसे म्यू से डिनोट किया जाता है. फंक्शन ऑफ x पे अप्लाई करने से ये एक एवरेज प्रोवाइड करता है. फंक्शन ऑफ x प्लस एच बाई टू प्लस फंक्शन ऑफ x माइनस एच बाई टू डिवाइडेड बाई टू, इसलिए इसे एवरेजिंग ऑपरेटर कहा जाता है. ये जो नोटेशन मैंने फंक्शन ऑफ x में लिखे, ये सारे हम x की जगह फंक्शन ऑफ x को हम y x भी लिख सकते हैं. ऐसा सफिक्स वाला नोटेशन भी लिख सकते हैं. वाई एक्स या वाई आर यहाँ जनरलाइज नोटेशन दिया है. तो डेल्टा वाई आर अगर है तो जैसे यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच हुआ था माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं वाई आर प्लस एच माइनस वाई आर. एक्स की जगह पे आर है और एच की जगह पे यहाँ पे वन यूज किया गया है. कई बार हमें ज़रूरत होती है नंबर्स की, तब हम इंटरवल में जो h कॉमन डिफरेंस है उसको h को 1 लेके चलते हैं. और भी कोई वैल्यू हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट यूजुअली या तो न्यूमेरिक अगर हम लेते हैं तो 1 लेते हैं और अदरवाइज h यूज करते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ. फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ एंट्रीज. एंट्रीज मतलब y के टर्म्स में या फंक्शन ऑफ x के टर्म्स में लिखना है. वहाँ पे कोई भी नोटेशन डेल्टा वगैरह नहीं आना चाहिए. तो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, सबसे पहले डेल्टा स्क्वायर का मीनिंग देखेंगे. डेल्टा स्क्वायर मतलब दो बार डेल्टा को आपको अप्लाई करना है फंक्शन के ऊपर. फंक्शन ऑफ एक्स है, एक डेल्टा मैं यूज़ कर रही हूँ, एक अभी रखा हुआ है. पहला वाला जो डेल्टा है उसको अप्लाई करने से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा. जो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस की ये डेफिनेशन है, डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसी को अप्लाई यहाँ पे हमने कर लिया फर्स्ट टाइम. अब ये डेल्टा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स. दो बार डेल्टा आ गया है, दोनों बार हम डेफिनेशन यूज़ कर लेंगे. जब हम फंक्शन ऑफ x प्लस एच पे डेल्टा यूज़ करेंगे तो x प्लस एच प्लस एच, एक्स प्लस टू एच हो जाएगा माइनस फंक्शन ऑफ x प्लस एच जो ओरिजिनल फंक्शन था इस डेल्टा के लिए. अब माइनस के साथ ये वाले डेल्टा पे का यूज़ करते हुए इसको डेफिनेशन लगाएंगे तो यहाँ पे फंक्शन x प्लस एच का हो जाएगा माइनस फंक्शन ऑफ x ब्रैकेट में लिखें या फिर माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये प्लस हो जाएगा. अब सिंप्लीफाई कर देंगे, फंक्शन ऑफ x प्लस टू एच माइनस टू टाइम्स फंक्शन ऑफ x प्लस एच प्लस फंक्शन ऑफ x. ये सारी एंट्रीज हैं, कहीं भी कोई डेल्टा नहीं है. इसे हम y के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. तो ये जो है फाइनली ये डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स का रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ एंट्रीज या सिंप्लीफिकेशन.